सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपांजन पात्र और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। सो आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है। आज मैं अपना इस साइकिल का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका मैं 2 महीने यूज़ कर चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो फ्रेंड्स, ये साइकिल लिए मुझे 2 महीने 1 वीक हो चुका है और आज मैं इस वीडियो में इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करने वाला हूँ। तो आप में से जिन लोगों का साइकिल राइडिंग पे या साइकिलिंग पे दिलचस्पी है वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग आप में से नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पर मैं बिहार पर हूँ और इस साइकिल को मैंने मुंगेर से परचेस किया था, वो भी ऑफलाइन। मुंगेर पर बहुत सारा साइकिल का दुकान है, लेकिन मैं जहाँ से लिया था इन लोगों के पास बहुत सारा साइकिल का स्टोर है। दुकान का नाम है शशि ट्रेडर्स, आप लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले साइकिल की थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आपको। ये गैंग की ड्राफ्ट बाईसाइकिल है जो कि एक बेसिकली माउंटेन बाईसाइकिल है और जिसमें 18 इंच की स्टार्ड स्टील हार्ड ट्रेल फ्रेम है जो और विथ मैट ब्लैक कलर, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जिसमें टायर साइज़ है 26 इंच × 2.35 इंच, मतलब 26 इंच की डायमीटर और 2.35 इंच की विड्थ है। और विथ फ्रंट सस्पेंशन डुअल डिस्क है और इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है करीब 1 से 1.5 इंच तक प्ले हो जाता है। और इसकी हैंडल बार भी आप लोग देख सकते हैं, हैंडल बार काफ़ी वाइड है और इसके हैंडलिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इस हैंडल ग्रिप में पाम रेस्ट भी दिया गया है, जिसके लिए आप ज़्यादा टाइम अगर साइकिलिंग करोगे तो पाम में कोई दर्द नहीं आएगी। और इसमें देख सकते हो आप डबल वॉल एलॉय रिम दी गई, प्रोवाइड की गई है। और इसकी खास बात यही है कि ये मतलब कभी रस्ट नहीं आएगी। और इस साइकिल पे यहाँ पे एक फॉल्स कैलिपर ब्रेक का भी सुविधा दी गई है, ताकि अगर कभी फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो ख़राब हो जाए तो आप सामने कैलिपर ब्रेक इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस साइकिल की जो मडगार्ड है वो थोड़ा यूनिक सा है और देखने में अच्छा भी लगता है। अब बात यह आती है कि मैं साइकिल को ऑनलाइन क्यों नहीं लिया, ऑफलाइन क्यों लिया। इसका मेन रीज़न है तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है कि ऑनलाइन साइकिल लेने के बाद उसका असेंबलिंग करवाने के लिए, तो इसलिए मैं दुकान से साइकिल को ख़रीदा ताकि सारा कुछ बोलो कि करके देता है। और ऑनलाइन लेने पे बहुत सारा कुछ चीज़ें साइकिल के साथ मतलब नहीं लेना देता है जो कि अलग से लेना पड़ता है, लेकिन दुकान से लेने पर ये सब चीज़ मुझे वहीं से दुकान से इंस्टॉल करके दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हो साइकिल की बेल बोलिए या वाटर बॉटल होल्डर बोलिए, मडगार्ड भी दे दिया है। और ये जो आप लोग देख सकते हैं साइकिल की जो रिफ्लेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, दोनों साइकिल दोनों टायर में दो दो करके रिफ्लेक्टर दिए हैं। और आपका ये बैक रिफ्लेक्टर फ्रंट रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड किए हैं। और सबसे बढ़िया जो साइकिल की लॉक, सिर्फ ये जो सीट कवर आप लोग देख रहे हैं ये सीट कवर मैं अलग से बाहर से लिया था, हाँ ये मैं बाद में लिया था, बाकी सारा कुछ इस साइकिल में अच्छा है। और इस साइकिल का जो सीट आप लोग देख रहे हैं ये सीट मैं अमेजन से लिया था, ये 260 रुपीज़ का आया था। और ये सीट भी, इसका कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है। आप लोग चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो इसको। सो फ्रेंड्स, मैं पर डे इस साइकिल को 2 से 3 किलोमीटर राइड कर लेता हूँ। और इसकी सबसे मुझे जो खास बात लगती है इसकी फ्रंट सस्पेंशन और थोड़ा मतलब मोटा टायर की वजह से इसमें जो जर्किंग होता है वो महसूस नहीं होता है उतना, ये बहुत ही मतलब जर्किंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस साइकिल को मैं आजकल का ये जो भी मॉडर्न बाईसाइकिल है सब लोग विदाउट कैरियर लेता है, लेकिन मैं कैरियर के साथ लिया था। इसका वजह ये है कि मैं कभी अगर लॉन्ग राइड करना पड़े तो कैरियर रहने पे बैग वैग यहाँ पे रखने में आसान हो सके, इसलिए मैं कैरियर के साथ लिया था। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि साइकिल का प्राइस कितना लिया था। तो साइकिल का जो प्राइस था वो 9,600 रुपीज़ था और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में इस साइकिल में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फ्रंट सस्पेंशन भी है, डुअल डिस्क भी है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। और फ्रेंड्स, मैं तो अभी साइकिल के साथ फ़िलहाल कभी लॉन्ग राइड पे गया नहीं, जब भी जाऊंगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और बाकी इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है विद इन 2 मंथ्स मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा ये मुझे बहुत ही सेटिस्फाइड रहा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक था और मेरा रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा ये लाइक करके और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों के साथ कुछ भी हेल्पफुल रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करके दीजिएगा, ताकि ऐसे भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।